वॉट्सअप व्हाट्सअप वॉट्सअप एवरी वन वेलकम टू द रिविजन ऑफ एस ए फाइव हंड्रेड ऑडिट एविडेंस सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे ऑडिट एविडेंस क्या होता है तो मैंने कहा बात बताना इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके ऑडिटर कंक्लूजन निकालता है जिस कंक्लूजन पे ओपिनियन निकालता है वही आपका ऑडिट एविडेंस यानी इन्फॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर जिस पर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और उस कंक्लूजन पे आप ओपिनियन निकालते हो ऑडिट एविडेंस कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या मतलब होता है entries, है 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 अकाउंटिंग एंट्रीज 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 ठीक वो कहां जाती जाती लेजर्स में में और ये जो में आप अमाउंट्स डालते हो क्या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन होती है कैलकुलशन हाँ। इनके पीछे जो कैलकुलेशन होती है वो वर्कशीट में रहती है तो अकाउंटिंग एंट्रीज लेजर्स वर्कशीट अब इन सब चीजों को चेक करने के लिए एज ऑडिटर में क्या देखता हूं इन्वॉइस देखता हूं ठीक है सर अब अगर कोई सेल्स इन्वॉयस है इससे पहले क्या हुआ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो इनवाइसिस और कॉन्ट्रैक्ट ये सब हम देख लेते हैं अब एक बार बताओ ये अदर क्या है सर अदर इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेट करती है जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट करती है मतलब सपोज अगर मैंने ये सेल्स करी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्या इससे पहले कोई डिसीजन लिया होगा हाँ सर ये डिसीजन कहां लिया होगा किसी मीटिंग में लिया होगा तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखते हो हाँ सर मिनट्स के साथ साथ आप और क्या क्या चीजें देखते हैं सर हम एज अ ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स भी देखते हैं प्रोसेसेस भी देखते हैं तो क्या वो प्रोसेसेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है मैंने कहा नहीं वो आते अदर इंफॉर्मेशन में तो हमने इनको क्या था एम एमडब्ल्यू की तरह सर क्या मिनट्स कर लिया मैनुअल्स विच कंटेन द इंटरनल कंट्रोल्स प्लस जो आप रिटर्न कंफॉर्मेशन ले रहे हो फ्रॉम द थर्ड पार्टीज वो भी आपका ऑडिट एविडेंस बन जाता है अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है तो ये बेसिक सी चीजें हमने सीखी थी अब सर हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो हमारा ऑडिट एविडेंस सफिशियट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो सफिशेंसी का क्या मतलब होता है कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ एविडेंस ये बेसिक दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर क्या एक फैक्टर क्वांटिटी को बढ़ाता है एक फैक्टर क्वांटिटी को कम करता है कमऑन एक फैक्टर क्वांटिटी को बढ़ाएगा एक फैक्टर क्वांटिटी को कम करेगा सर कौन कौन सा फैक्टर बढ़ाता है कौन सा कम करता है जल्दी से बताओ अगर रोमन ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी बट अगर क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्वांटिटी कम लगेगी तो रोमम और क्वालिटी पे कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिपेंड करती है अगर रोमम ज्यादा होगा तो क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी ज्यादा तो क्वांटिटी कम अब मुझे बताओ तीन फैक्टर जिसमें ऐसे इंटरेस्टेड है सर ये तीन फैक्टर तो वही बताएगा जो कहीं ना कहीं शॉपिंग करने गया अपनी मिसेस के साथ क्योंकि जब भी आप मिसेस के साथ शॉपिंग करने जाओगे तो वो ज्यादा शॉपिंग करेगी यानी उनकी क्वांटिटी ऑफ शॉपिंग किसकी ज्यादा होती है सर मिसेस की ज्यादा होती है जल्दी से बताओ मिसिस वाले तीन फैक्टर पहला तो मटीरियलिटी मटीरियलिटी का इसमें क्या मतलब है जो आइटम आप टेस्ट कर रहे हो कितना मटेरियल है कितना सिग्निफिकेंट है अगर वो आइटम सिग्निफिकेंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द एबीसीडी आइटम का मतलब होता है अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या डिस्कलोजर सिग्निफिकेंस ऑफ द एबीसीडी टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है ज्यादा मटेरियल है तो ज्यादा एविडेंस कम सिग्निफिकेंट है तो कम एविडेंस आर का मतलब क्या था रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट उसका हमको ऑलरेडी पता है इसमें आपने सबसे पहले रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है की मतलब वॉट आर द दांसेस दट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट स्टार्ट होने से पहले क्या चांसेस थे फिर इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन फिर कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन फिर बता देना अगर रोमम ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा रोमम कम तो क्वांटिटी कम एंड एस का मतलब था साइज ऑफ द पॉपुलेशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन का क्या मतलब है आप बताओ आपकी पॉपुलेशन लार्जर है हेट्रोजीनस है हेट्रोजीनस मतलब डाइवर्स पॉपुलेशन अगर ये लार्जर हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है तो क्वांटिटी ज्यादा बट अगर ये स्मॉलर प्यारी सी होमोजीनस पॉपुलेशन है तो कम क्वांटिटी में भी काम चल जाएगा ओ अब सर एक बात बताओ हमको कैसी पॉपुलेशन चाहिए होती थी सैंपलिंग में रिलायबल पॉपुलेशन आपको कहीं ना कहीं रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए तो आपने समझा था कि अप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब होता है कहीं ना कहीं चीजें रेलिवेंट होनी चाहिए रेलिवेंट टू द अजर्शन बीइंग टेस्टेड एंड दिस वाज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टूडे दैट मीन्स हमको अप्रोप्रिएटनेस अगर एविडेंस की देखनी है यानी हम क्या देख रहे हैं सर आप क्वालिटी देख रहे हो एंड क्वालिटी रेलिवेंस के साथ साथ रिलायबिलिटी पे आती है एंड दोनों के हमने फिर फैक्टर समझे रेलिवेंस का क्या मतलब है कोई एविडेंस रेलिवेंट है आपको कैसे पता चलेगा सर उस अजर्शन के लिए वो होना चाहिए कहीं ना कहीं उस अजर्शन के लिए वो ऑडिट प्रोसीजर और अस रेलिवेंट होनेर इज अ लॉजिकल कनेक्शन कोई रट्टा नहीं है लॉजिकल है इट इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द प्रोसीजर बिंग परफॉर्म एंड द अजर्शन बींग टेस्टेड क्या ये बात समझ आती है हाँ सर इसके हमने क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे एक बार फटाफट -फड़ बताओ ओवर स्टेटमेंट वाला देखा था कमोन हा सर अगर मुझे ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है किसी की एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स तो मैं क्या करूंगा जो हैं उन्हीं को करनी है, तो क्या मैं देखूंगा? नहीं सर रिकॉर्डेड के अलावा ही तो देखने कोई और क्रेडिटर नहीं है तो मैंने कहा इसमें हमने क्या क्या बातें की थी क्रेडिटर मतलब मैंने उससे सामान खरीदा है तो मतलब पेमेंट होगी तो आप सब्सिक्वेंट पेमेंट देख लो मैंने जब उससे सामान खरीदा तो मेरे पास क्या होगी इनवॉइस आया होगा तो अनपेड इनवॉइसेस देख लो प्लस इसके अलावा एक रिसीविंग रिपोर्ट वाला पॉइंट क्या था अनमैच रिसीविंग रिपोर्ट यानी मेरी रिसीविंग उसकी डिस्पैचिंग से मैच नहीं कर रही प्लस इसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कई बच्चों ने मुझे बताया था सप्लायर स्टेटमेंट यानी आप अपने जो सप्लायर्स है उनसे स्टेटमेंट मंगा सकते हो कि क्या वो एंटिटी के रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं या नहीं क्लियर है क्लियर है सर फिर हमने डिस्कस किया था क्या रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस रिलायबल एविडेंस कौन है जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं दिस डिपेंड्स ऑन नेचर सोर्स एंड सर्कमस्टेंसिस सर ये नेचर सोर्स एंड सर्कमस्टेंस का क्या मतलब है सोर्स कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल नेचर कैन बी इट कैन बी डॉक्यूमेंट्री इट कैन बी ओरल एविडेंस एंड सर्कमस्टेंस का क्या मतलब है अगर कोई इंटरनल एविडेंस है तो इंटरनल कंट्रोल्स कैसे तो ये बेसिक सी बात है आपने ध्यान रखनी थी अब जल्दी से इसके चार पांच पॉइंट बताओ मुझे फटाफट -पड़। पहला पॉइंट क्या था सर जो ऑडिट एविडेंस आप एक्सटर्नली ऑब्टेन करते हो इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी दैट इज मोर रिलायबल देन इंटरनली जनरेटेड क्या इंटरनल वाला रिलायबल नहीं है इंटरनल वाला रिलायबल है अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं यानी इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन अब एक बार बताओ थर्ड पॉइंट क्या था सर थर्ड पॉइंट था आपको किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली याद रखना है थर्ड पॉइंट था जो ऑडिट एविडेंस आप डायरेक्टली ओप्टेन करते हो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वो ज्यादा रिलायबल है देन द वन विच इज ओपटेन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ओप्टेन कर सकते चीजों को एनालाइज करके या मांग के सर मांग के मतलब इनडायरेक्टली और बाय इंफरेंस अगर आप ले रहे हो मांग के मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से लेके तो दैट इज लेस रिलायबल अब लास्ट में बताओ तुमको एविडेंस कैसा चाहिए डॉक्यूमेंट्री या ओरल डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री में भी कौन सा ज्यादा रिलायबल है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन फोटो एंड माइल्स या फिर आप बोल दो डॉक्यूमेंट्स इसके बाद हमने स्टार्ट करे थे सर ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर एविडेंस सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन के नोट्स पे आ जाओ फटाफट इंस्पेक्शन में हमने क्या सीखा सर इंस्पेक्शन में दो चीजें आती हैं क्या एक तो आपके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन दूसरा जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं

पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्साम्पल बताओ आप रीड करके भी इसको वापस रिवाइज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है है क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ग्जाम्... आ, था अगर आपको चेक करनी है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो हाँ सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाला पॉइंट क्या था बड़ा ही अजीब सा पॉइंट था बट याद रहेगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी चेक करनी है तो सेल्स का इनवॉइस नहीं कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं यानी आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन कर सकते हो इसी के साथ अगर मैं बोलूं फिजिकल इंस्पेक्शन के दो एग्जाम्पल बताओ पीपी और इन्वेंट्री पीपी का एग्जाम्पल क्या था मैंने कहा पीपी पीपी का, का बड़ा सिंपल था आप PPE की जाके फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो तो मुझे कौन सी अजर्शन चेक होगी उससे सर अगर मैं पीपी की फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूं तो मुझे उसकी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा ओके okay, गुड अगर मैं इन्वेंट्री की फिजिकल इंस्पेक्शन करूं कह कैरेक्ट कर लो बट साथ, -साथ आप इसकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो तो इंस्पेक्शन के साथ साथ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो इसके बाद मैंने आपको कौन सा वाला बताया था इसके बाद आपने बताया था ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं है यू आर जस्ट लुकिंग एट द प्रोसेस बस देखने देखने से ऑडिट प्रोसीजर हो जाता है इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसमें बेस्ट पार्ट क्या था जो ध्यान में रखने वाली चीज थी इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स यानी ओरल रिस्पॉन्स अगर आप थर्ड पार्टी से ले रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा

के साथ ही कवर करेंगे लास्ट में हमने कवर किया इंक्वायरी इंक्वायरी तो सर एकदम शानदार टॉपिक है पानी के दो दो घूंट लगाओ सारे बच्चे पानी के दो दो घूंट लगाओ इंक्वायरी में क्या था हम इंक्वायरी में सीखते हैं सीखते हैं मतलब सीकिंग इंफॉर्मेशन ये कौन है

कुछ मसालेदार यानी डिफरेंट इट्स डिफरेंट तो मैंने कहा जो नया मिलता है उसका मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले नहीं थी दैट वाज नॉट प्रीवियसली पोजेस्ट दूसरा क्या सर इन्फॉर्मेशन विच इज सपोर्टिंग उसको क्या बोलते हैं ऑडिट एविडेंस एंड थर्ड पॉइंट क्या था इंफॉर्मेशन विच इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट तो मैंने कहा जब भी ऐसी कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले या आपको डाउट ओवर द रिलायबिलिटी तो क्या करते हैं मॉडिफाई द प्रोसीजर और परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे थर्ड स्टेज में आपकी हेल्प कौन करेगा मैंने कहा मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करना है क्या इंटेंट चेक करना आसान काम है मैंने कहा नहीं इंटेंट चेक करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है इट मे बी लिमिटेड तो मुझे बताओ आपका कौन सी चीज हेल्प करेगी सर आपने एक पैरा बताया था आपने एक पैरा बताया था जैसे एक सीए स्टूडेंट है उसका इंटेंट कैसे चेक करोगे सीए स्टूडेंट का था मैं बारह घंटे पढ़ूंगा मैंने कहा पहले पढ़ चुका है क्या पास्ट हिस्ट्री पैरा का क्या मतलब था पास्ट हिस्ट्री आर का मतलब है इसकी motivation क्या है इसकी मोटिवेशन क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट प्लस द एबिलिटी तेरी बस की है क्या पास्ट हिस्ट्री रीजन एंड एबिलिटी इन तीनों से आपको थोड़ी कोरोबोरेटिव इंफॉर्मेशन मिल पाएगी एंड लास्ट में क्या था वही मैंने जो पहले बताया था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ओरल इंक्वाइरीज क्लियर है क्लियर है क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ मैनेजमेंट एक्सपर्ट के पॉइंट्स पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है वही वैल्यू कर रहा है और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट मैनेजमेंट ने यूज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सारे बच्चे जल्दी से अप दो मुझे सारे बच्चे चैट बॉक्स में थमसअप दो इसकी एक्सपर्टीज अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में कमॉन जल्दी से सर hmm. कैसी कैसी बातें कर रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप भी <laughs> कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर गलत बोल रहे हो मैंने कहा वेरी गुड यही सुनना था तुमसे ही इज हैविंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड इसका काम मैनेजमेंट ने यूज किया है तो जब मैनेजमेंट ने यूज किया तुम भी एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हो बट एविडेंस की तरह यूज करने से पहले क्या देखोगे बंदे को देखोगे मैंने कहा बंदे को देखोगे मतलब एनटीटी में एनटी में जितने भी लोग हैं वो सब क्या होते हैं बड़े बड़े लोग सीईओ होते हैं सी होते हैं इसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए मतलब कॉम्पिटेंट केपेबल प्लस मैनेजमेंट के साथ मिला ना हो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए फिर मैं इसके काम की अंडरस्टैंडिंग लूंगा और देखूंगा इसका काम मेरे लिए अप्रोप्रियट है या नहीं क्लियर है क्लियर है sir. अब सारे के सारे बच्चे बताओ मैटर्स क्या थे मैंने कहा पहला पॉइंट ही मैटर वाला है मैटर का मतलब है कौन से मैटर्स है जो अफेक्ट करते हैं ऊपर वाले प्रोसीजर्स की नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड क्या होगी तो मैंने कहा सबसे पहला मैटर है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है गलती होने के चांसेस ज्यादा है यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट इन द मैटर धूम मचा दी अब जैसी लगा गलती होने के चांसेस ज्यादा है हम तो डर गए हम तो डर गए हमने कहा कुछ और ऑल्टरनेट दिखाओ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस उन्होंने कहा ऑल्टरनेट नहीं है तो हम एग्रीमेंट लेके आए जैसी एग्रीमेंट लेके आए पहली चीज क्या दिखेगी नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मैं एग्रीमेंट देने जा रहा था क्या हुआ मां बैड <laughs> मेरे सीनियर ने क्या बोला जरा ये चेक करो एक चीज और चेक करो एग्रीमेंट देने से पहले क्या ये बंदा इंप्लॉइड है या पार्टली इंगेज सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये बंदा इंप्लॉयड है या एज अ एक्सटर्नल कंसल्टेंट इन्होंने रख रखा है मैंने कहा फर्क पड़ता है अगर इंप्लॉय होगा तो मैनेजमेंट इस पर ज्यादा अपनी चला सकता है अगर एक्सटर्नल पार्टी होगी तो मैनेजमेंट नहीं चला पाएगा यानी इंप्लॉय और एक्सटर्नल पर्सन से फर्क पड़ता है द एक्सटेंड टू विच द मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल मैनेजमेंट किस हद तक इस पर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है और कंट्रोल वाला फिर एक और पॉइंट हो गया डन 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 सर फिर मैंने आपको बताया था आईपी के केस के में दो चीजें क्या टेस्ट करोगे आईपी के केस में देखिए आईपी सही है कि नहीं यानी इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट एंड दूसरी चीज इसमें मस्ती थी सर मस्ती क्या थी मैंने कहा मजेदार चीज थी इट शुड बी प्रिसाइज एंड इलेबोरेट क्या प्रिसाइज एंड इलेबोरेट बोल दो या डिटेल बोल दो इट शुड बी प्रिसाइज एंड डिटेल मैंने कहा क्या फालतू बात है ना लास्ट पॉइंट इज इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर द एविडेंस जब भी एविडेंस पे शक हो जब भी आपको लगे कुछ गलत है परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एंड लास्ट में सर क्या इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट तो अगर आप सपना देखते हो सी ए बनने का तो बन तो सकते हो ठीक है क्योंकि उस हिसाब आप से आपके एक्शन भी रहेंगे थैंक्स अलॉट एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टूडे सेशन फिफ्टीन मिनट पंद्रह मिनट हमको लगे पूरा का पूरा कवर करने में एंड द क्रेडिट गोस टू यू जो आपकी पार्टिसिपेशन थी जो आपकी एनर्जी थी आज क्लास में हेडस ऑफ्ट ऑल ऑफ लगे रहो आगे बढ़ते रहो क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इंजॉय